मुहर्रम एवं रक्षाबंधन को लेकर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता एसडीपीओ मोहम्मद नियालुद्दीन एवं संचालन थाना प्रभारी हिमांशु शेखर सिंह ने किया। मुहर्रम पर्व को शांति पूर्वक मनाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। सर्वसम्मति से ताजिया एवं डीजे ना बजाने का निर्णय लिया गया। एसडीपीओ मोहम्मद निहालुद्दीन ने कहा कि कोरोना महामारी से बचाव एवं अपने परिवार वालों को बचाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। मुहर्रम शोक का पर्व है, इसे शांति पूर्वक सौहार्दार के साथ मनाएं। मौके पर पूर्व विधायक लोकनाथ महतो, एसआई शैलेंद्र कुमार, एएसआई रुस्तम अली आदि उपस्थित थे। बड़कागांव प्रखंड के बादम पंचायत सचिवालय में मनरेगा योजना के तहत आम बागवानी योजना के लिए खाद सामग्री का वितरण किया गया। रोजगार सेवक फजल उर रहमान ने बताया कि 20/21 का बादम पंचायत में 8 आम बागवानी पास हुआ था। बागवानी के लिए लाभुकों को खाद सामग्री वितरण किया गया। मौके पर बादम ग्राम प्रधान दीपक दास, पंचायत समिति प्रतिनिधि राजा खान, चेतलाल महतो आदि उपस्थित थे। बड़कागांव प्रखंड के पंखरी बरवाडीह में राजकीय प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में एवं बड़कागांव पूर्वी पंचायत भवन में नव भारत जागृति केंद्र संस्था के अंतर्गत लोकनायक जयप्रकाश आँख अस्पताल बहेरा चौपारण के द्वारा नेत्र जाँच शिविर का आयोजन कर 105 लोगों की स्वास्थ्य जांच किया गया। इस शिविर में मुख्य रूप से बीपी, शुगर, सामान्य सर्दी, जुखाम, बुखार, कमजोरी इत्यादि की जांच के साथ विशेषकर मोतियाबिंद के रोगियों को आंखों का ऑपरेशन करने की सलाह दिया गया एवं जानकारी के तौर पर बताया गया कि बहेरा चौपारण में मुफ्त मोतियाबिंद के साथ आँखों से संबंधित अन्य रोगों का भी इलाज किया जाता है। इस शिविर में रोगियों को दवाई भी वितरण किया गया। शिविर के प्रबंधक अजय कुमार सिन्हा के साथ मुख्य सहयोगी नेत्र सहायक रंजीत कुमार, सुनीता कुमारी, श्याम किशोर, गंगा थे। वहीं ग्रामीण धनु प्रसाद निराला, कृष्ण कुमार साव आदि उपस्थित थे। बड़कागांव से राजेश कुमार की रिपोर्ट।